हे दोस्तों, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई हाई कोर्ट के केस के रिगार्डिंग। कल मुंबई हाई कोर्ट में जो दो केस हुआ था वो नीट के रिगार्डिंग, एक था ईएसआईसी केस से रिलेटेड और दूसरा था ओबीसी से रिलेटेड। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ओबीसी केस से रिलेटेड है, क्योंकि उसी की वजह से ऑल इंडिया काउंसलिंग जो है वो रुका हुआ है। तो कल क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। यह आप लोगों के लिए बुरी खबर है कि नीट काउंसलिंग में जो स्टे था वो नहीं हटा है, वो अभी भी स्टे लगा हुआ है। नीट काउंसलिंग आज भी रिजल्ट नहीं आने वाला, मंडे को हो सकता है कुछ हो जाए, तो आप सभी को मंडे तक रुकना पड़ सकता है। वहाँ क्या हुआ मैं आप सबको बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने जो प्रश्न पूछा था रेस्पोंडेंस को, उन्होंने उसका सही जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने कोई रिजल्ट नहीं दिया और जो स्टे है नीट काउंसलिंग में वह अभी तक जारी है। ओबीसी केस के बारे में आपको बता देता हूँ, यह जो केस है वह अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ ने किया है। इस केस में अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ को रिजर्वेशन से थोड़ा प्रॉब्लम है। उनके हिसाब से 27% रिजर्वेशन होना चाहिए ओबीसी के लिए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कोर्स के लिए, लेकिन वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि उन्हें सिर्फ 69 सीट ही मिली है। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आना अभी बाकी है, इसी वजह से नीट काउंसलिंग स्टॉप है। इस केस का कल हियरिंग होने वाला था, उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स नहीं दी, तो इसी वजह से वह पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी केस का हेयरिंग जो होगा वह मंडे हो सकता है। मंडे से पहले आप सभी को राउंड टू के रिजल्ट नहीं आ पाएगा, तो आप सभी को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही आप ये वीडियो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके साथ वह भी अपडेट रहे। इसी तरह के और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको नोटिस मिलता रहे। धन्यवाद।